किसान संघ के ज्ञापन के बाद कलेक्टर ने किया बैरसिया का दौरा। खाद की कालाबाजारी रोकने एवं किसानों को पर्याप्त मात्रा में शीघ्र खाद उपलब्धता को लेकर बीते दिन भारतीय किसान संघ ने भोपाल कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा था। इस दौरान किसान संघ ने खाद की कालाबाजारी, अमानक बीज तथा किसानों को खाद नहीं मिलने पर नाराजगी जताई थी। इसके बाद भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मंगलवार को बैरसिया क्षेत्र का दौरा कर खाद की उपलब्धता, राजस्व अभियान 3.0 के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए मंडी और तहसील कार्यालय और ग्रामीण इलाकों का निरीक्षण कर किसानों से संवाद किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ये बताओ जो EKYC हो रही वो क्या है? EKYC यही है ना, खसरे में आधार को जोड़ना। और फिर जो ये आरओआर लिंक है उसमें क्या सर? वो सारा पोर्टल पे ना किसान की जो नाम लिखे हुए हैं सर, उसी से ना उनके पूरे ना जैसे पूरा डेटा सर जो बैंक का जो XML जो जनरेट हुआ था वो सर उस पर लिंक नहीं हो पाया, तो सर अभी जो बाहर जो आया है सर आगे पे जो बोला है कि सर सिंह भाई आज बैरसिया तहसील के प्रमाण पर थे। इस दौरान कलेक्टर महोदय ने तहसील कार्यालय बैरसिया का निरीक्षण किया एवं CM हेल्पलाइन के गुणवत्ता और संतुष्टि पूर्वक निराकरण के निर्देश दिए। साथ ही प्रयास अभियान 3.0 उस पर भी निर्देशित किया कि तहसील बैरसिया में उस अभियान के सभी बिंदुओं पर सर्वोच्च स्तर पर गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा कलेक्टर महोदय मंडी के भ्रमण पर भी गए। मंडी के भ्रमण पर जाकर उन्होंने खाद वितरण का कार्य देखा और अधीनस्थ हमले को निर्देशित किया। उसके पश्चात कलेक्टर महोदय ग्रामीण क्षेत्रों के भ्रमण पर भी गए, जिनमें खासतौर पर उन्होंने ग्राम सोहाया और भूरी पठार का निरीक्षण किया। उस दौरान जनप्रतिनिधिगण भी उनके साथ में थे। EKYC का कार्य का निरीक्षण किया उन्होंने और फॉर्मर रजिस्ट्री के कार्य का भी निरीक्षण किया। इन लोगों के सुविधाओं के हिसाब से ये है कि लाइन लगाई जाए, व्यवस्थित टोकन नंबर दिए जाएं और ज़्यादा यदि किसान है तो कुर्सियाँ वगैरह की व्यवस्था करके बाकायदा व्यवस्थित करके किसान खाद वितरण सुनिश्चित किया जाए। DAP की क्या व्यवस्था है? DAP आ गया है, कल 3 गाड़ी यहाँ पर आ गया है, कल सुबह से ID चालू हो गई तो कल सुबह उसका भी वितरण हो जाएगा। यहाँ पर भी यूरिया आ रहा है, खाद तो DAP भी आ रहा है, यूरिया भी पर्याप्त। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।